रीवा में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके प्राचीन शिव मंदिर को जेसीबी से गिराने की कोशिश की गई। वहीं जब बजरंग दल को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। वहीं उनका आरोप है कि मंदिर के पुजारी ने कॉम्प्लेक्स मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए शिव मंदिर को तोड़ने की साजिश की है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराकर जेसीबी को वापस भिजवा दिया गया है। देश में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होना बंद नहीं हो रहा है। कभी धर्म पर तो कभी धार्मिक प्रतीकों पर प्रहार किए जाते हैं। वहीं रीवा में उस वक्त हंगामा हो गया जब देर रात मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर को जेसीबी से तोड़कर गिराया जा रहा था। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल को मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और इसका विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स के मालिक के साथ मिलकर प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने की साजिश की है और जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराकर जेसीबी को वापस भेजा गया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज व माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार 22 जनवरी 2023 को NCL ग्राउंड बिजौली बैडन में होगा। विनीत रामलल्लू वैश, विधायक सिंगरौली। आठ साल रहे बेमिसाल, बदले हालात, सुलझे सवाल, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। जिस मिट्टी को छुआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई, सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई, जनता ने जो चाहा वो करके तुमने दिखलाया, 370 हटा के भारत माँ का मान बढ़ाया, जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।